काउंटडाउन की न्यू वीडियो है और हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स कंपैरिजन हम सीखेंगे कि हम नंबर किस तरह से उसको ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑर्डर होते हैं दो किस्म के, एक है असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस कि आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले आप छोटे नंबर लिखेंगे और उससे आगे आगे लिख के लार्जेस्ट नंबर सबसे एंड पे लिखेंगे। इस तरतीब को कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आपके पास ये नंबर गिवन है 5200, 5100, 5300, तो आप उसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 5000 सबके सेम हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे 5100, देन लिखेंगे 5200, देन लिखेंगे 5300। उसके बाद है व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दे आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब आप नंबर लिखते हैं इस तरतीब के साथ कि सबसे पहले आप लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं और देन उसके बाद तरतीब इसकी इस तरह से हो जाती है कि लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आता है, सबसे छोटा नंबर सबसे एंड पे लिखते हैं, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 1000 आपके पास 100 है, 1300 1000 है, तो अब क्या करेंगे 0 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1300 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, 1100 देन 1000 वाला नंबर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, पुट दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपके पास 4 नंबर गिवन है, 4800, 4700, 4900, 3100, तो स्मॉलेस्ट सबसे 3100 है, वो हमने राइट कर लिया। देन आपके पास 6 नंबर है, 4800, 4700, 4900, तो 4000 सबके सेम है। अब हम इनका 100 वाला नंबर चेक करेंगे, ये 7 है और यहाँ पर 9 है, 800, 700, 900, तो स्मॉलेस्ट है 700 वाला, तो हम इसको राइट कर लेंगे 4769, देन उसके बाद 4800 वाला नंबर 4829, देन उसके बाद 4932, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है आपके पास 2000, उसके बाद 5000, 4000 एंड 5000। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे जो नंबर वो आपके पास 1000 है, तो आपको सबसे पहले जो छोटा नंबर लग रहा है, स्मॉलेस्ट लग रहा है 2000 वाला है, उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 2629। देन आपके पास 4000 वाला नंबर 4999, देन आपके पास 5000 वाले नंबर है, तो हम इनका नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 100 वाली प्लेस पे इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। देन नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 90 एंड 99, तो ये आपके पास 90 वाला नंबर पहले आता है, तो हम इधर लिखेंगे 5990 और देन लिखेंगे 5099। तो ये आपकी जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो सी पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है 5000, 5000, 4000, 5000, तो इसका मतलब है 1000 वाले नंबर कंपेयर करें तो 4000 सबसे छोटा है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। देन इसी तरह आप 5000 वाले नंबर कंपेयर करेंगे, 5000 जो आपके पास नंबर हैं सबके 1000 हैं, 5 ही, उसके बाद 100 वाला यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। उसके बाद नेक्स्ट टेंस वाला नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 टेंस, 9 टेंस और 9 टेंस, तो इसका मतलब है 0 इसमें स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे ये नंबर। अब हमारे पास रह गया है ये नंबर और ये नंबर, इसमें आपके पास है 5090 और ये लिखा हुआ है 5099, तो हमारे पास 5090 पहले आता है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और फिर 5099 लार्जेस्ट नंबर है, इसको बाद में लिखेंगे। अब आपके पास दो नंबर जो हैं वो आपके पास रह गए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फॉर दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपने सारे नंबर्स चेक करने हैं, जो सबसे आपको ग्रेटेस्ट लगता है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, देन इसी तरह उसकी तरतीब कम करते जाएंगे और सबसे लास्ट पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। 4000, 8000, 8000, 8000, तो ये आपके पास 8000 वाले ग्रेटेस्ट नंबर हैं, इसमें से हमने चेक करने हैं अब 100 वाली प्लेस, ये 400 है, ये 900, ये 100, तो इसके बाद अब हमने चेक किया तो 900 वाला नंबर सबसे ज़्यादा था, तो हमने इसको सबसे पहले लिख लिया। देन आपने चेक करना है 8491, ये उसके बाद लिख दिया। उसके बाद आपके पास 8100 इससे स्मॉलेस्ट है, तो हम ये इसको लिख लेंगे और देन सबसे लास्ट पे 4000 वाला नंबर 4819। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी है, बी पे आप क्या करेंगे, बी पे आपके पास नंबर है 3000, 3000, 3000, 4000, तो 4000 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद 3000, 3000, 3000 सबके नंबर सेम है 1000 वाले, तो 100 वाला नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर 800, 900, 600, तो 900 ग्रेटर होता है, तो हम लिखेंगे 3961।
देन हम उसके बाद लिखेंगे 3800 वाला नंबर और उसके बाद 3691 वाला नंबर। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं सी डी ई पार्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।